अबू बकर ओके अलीब बकर अलीना डिस्को अम फ्राम इंडिया टू मीट इमरान अब्बास वट शुड आई डू What शुड यू डू यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम जब आप पाकिस्तान आएं, या मैं इंडिया आया हम दुनिया के किसी कोने में फिल्मी तफाक की तरह कहीं मिल गए ओके इमरान आई सी इन माय ड्रीम टुनाइट। आपसे मिलने का ड्रीम है आपको मिले अलिशबा अंडर स्कोरूज <laughs> thank you lina khane why do you hate me hate i don't hate anyone in life hate is a very strong very powerful emotion and i think itna इंपॉर्टेंट जिंदगी में कोई नहीं होता कि आप उसे नफरत करें और आप सॉरी सीरियसली मैं आपको नहीं जानता इसलिए मैं आपसे नफरत क्यों करूंगा यार सबसे पहली बात है आई डों नो यू बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फॉलो एंड लविंग मी एंड आई आई डोंट इवन डिसलाइक यू प्लीज स्टॉप थिंकिंग दिस वेदर आई हेट यू आई डोंट एनी बल्त आई एम होमा डॉट एच पी एस वंस गिलगत आया था एक uh, टेलीफिल्म के लिए उसका नाम था दो पल. वॉर इज़ योर फेवरेट लैंग्वेज सर फैन फ्राम इंडिया माई फेवरेट लैंग्वेज ये पूछा जी तान तनज शेख ने माई फेवरेट लैंग्वेज इज़ ऑफकोर्स माई मदर टंग उर्दू और मुझे फिर फारसी भी बहुत पसंद है वो भी बड़ी मीठी जबान है और बाकी um, हर जबान अच्छी होती है हर जबान का अपना मज़ा है पंजाबी का भी एक बड़ा मज़ा है पंजाबी के अंदर बड़ी डेप्थ है पंजाबी शायरी स्पेशली क्या कमाल की शायरी है सो so, फिक्स लाइट। ओके जी आपने शहर पे क्या लगाते हैं वही वाली बात दोबारा शादी हो जाती इमरान अब्बास डॉट ने कहा अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है आपकी शादी हो जाती तो हम लड़कियों का क्या होता हाँ <laughs> <laughs> सही बात है अल्लाह जो करता है बेहतरीन ही करता है टेल मी अबाउट योर वेट लॉस जर्नी माई वेट लॉस जर्नी टली आई थिंक टू इयर्स बैक वन आज डूइंग नूरोट वॉज अ टाइम एंड आई वॉज आई स्टार्टड टेकिंग माई वेट वेरी सीरियसली उससे पहले मैं एक सीरियल कर रहा था um, मोहब्बत तुम से नफरत है उसमें मुझे लगा सॉरी यार ये लाइट बहुत आंखों में लग रही है मतलब चेंज कर लू Uh, मोहब्बत तुमसे नफरत है मुझे लगा कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो so, फिर अगला सीरियल मुझे करना था नूरोलैंड और नूरोलैंड में सजल मेरे साथ में सजल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी पटीट एंड माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लड़की है और बहुत नाजुक सी है तो मुझे लगा कैसा ना होगा मैं सजल के अपोजिट हुआ हूँ तो मुझे अपना वेट और स्क्रीन पर ज़्यादा लगे तो आई स्टार्ट वर्किंग आउट मोर एंड स्टार्टड माई कार्डियो इवन मोर एंड आई बिकेम मोर केयरफुल वाइल यू नो ईटिंग कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ खाने से पहले सोचने लगा और बस वो सोच ऐसी मेरे दिमा दिमाग के अंदर फंसी के फिर आहिस्ता ऐसा आिस्ता करके एंड नो व्हेन व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग वेट इवन लाइक कुछ के भी आपका कम होता है तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है सो बाय द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आई वॉज प्रॉब्ली सेवेंटी एट और कुछ एक दो हफ्ते बाद मेरा वेट दो तीन के कम हुआ तो मैं बड़ा खुश हो गया और फिर मैंने और ज़्यादा लूज़ किया फिर बाय द टाइम यूर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट इट वाज यार वॉज ज़्यादा ही ज़्यादा ही कम हो गया थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा दुबला लगने लगा था बट हाँ देट वॉज अट लूजिंग वेट डीनाज इंडस्को अर्थ ने मुझसे पूछा है सवाल योर फेवरेट ओ एस टी माई फेवरेट ओ एस टी फ्रॉम माई सीरियल्स खुदा और मोहब्बत एनी डे और एक दो और भी थे नूरोलैंड का अच्छा था नूरबानो का बहुत अच्छा था बात कर ले मुझसे मेरे पागलपन और आ, कोई चांद रख आ, अच्छा मेरे बहुत सारे ओ एस टीज़ मेरे राहत फतेह अली खान साहब ने बहुत सारे गाए आ, तुम कौन पिया का बहुत अच्छा था और फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे ओएस टीज़ मिले अपनी अपनी सीरियल्स में ये बात पूछिए इमरान अब्बास इंडियन फैन पेज अरे यार फिर आ गया विल यू मैरी एन अफगान गर्ल लीना अंडरस्कोट जान वन ने कहा वाई नाट वाई नाट मिस अंडरस्कोट जहरा खान ने पूछा आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कौन सा था उस बारे में बताइए कुछ बताइए यार मैं जब भी सोचता हूँ मुझे एक वोमेंट बड़ा याद आता है जब मैंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी और बरवे दुश्रा साहब ने वो डिग्री दी थी और सामने आ, मेरे फादर और मेरी मदर बैठे हुए थे जब मैंने कॉन्वकेशन हुआ था और मैं भागता हुआ मेरी आंखों में आंसू थे मैं भागता हुआ अपने मम्मी पापा जा के जाके गले लग गया था क्योंकि उनकी बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं आर्किटेक्ट बनूँ उनको लग रहा था शायद मैं ना बन पाऊँ तो मैंने उनका सपना पूरा किया और मुझे वो वो मोमेंट कभी नहीं भूलेगा जब तो मेरे फादर भी हयात थे एंड यस मिस जहरा अंडर मिस अंडरस्कोर जहरा अंडरस्कोर मिस अंडरस्कोर जहरा खान अंडरस्कोर अंडरस्कोर ने सवाल मुझसे पूछा था दिले मुस्तर में मैंने अपने बेटे का नाम देखकर मैंने अपने बेटे का नाम आफान रखा आप भी यहीं पकड़े गए आप इमरान अब्बास इंडियन फैन पेज दिले मुस्तर मेरा नाम आफान नहीं था अदील था आतिफ अली ने मुझसे पूछा समन कोई नाम लिया कि आपके भाई है भाई मेरा कोई भाई बहन चाचा मामा ताया कोई इंडस्ट्री में नहीं है इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई कज़न या कोई, कोई कोई मेरे नाम से आपको कह रहा है कि जी मैं उसका इमरान अब्बास का भाई हूँ कोई नहीं है मेरा भाई भाई दूर दूर तक कोई नहीं है वट्स योर अनोइंग हैबिट माई हैबिट तो नहीं लेकिन हाँ मेरी एक एक ट्रेट है मेरी पर्सनलिटी का वो ये कि मैं भूलता बहुत हूँ नाम वाकई चेहरे लड़ाइयाँ किसी से अगर हो जाएँ मुझे भी याद नहीं रहता कोई मुझसे क्यों लड़ा था किसी ने मेरे साथ क्या बुरा किया था i'm very forgetful i um, at times i think it's a it's a blessing because um, you know forgetting things and oblivion is kind of a blessing in disguise because you start forgetting so many um, sad moments and very unpleasant things in your life which i think you shouldn't keep in in your mind you should learn from your mistakes but you shouldn't keep them in your mind forever uh, as a not so उस गिरा को खोल देना चाहिए और बस भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए सो so, बस ये वाली चीज़ है कि मैं भूलता बहुत हूँ और फिर मैं जब सामने कोई आता है तो मैं याद ही नहीं आ रहा होता कि इसका नाम क्या है और मैं सलाम करके भी अक्सर भूल गया होता हूँ कि यार इसको मैं कैसे बताऊँ कि भाई आप कौन है आई डोंट नो यू और फिर जब याद आता है तो बड़ी शर्मिंदगी होती है फिर मैं कवर अप करने के लिए दो तीन दफ़ा उसका नाम लेता हूँ ताकि उस चीज़ को कवर कर सकूँ एंड लाइटेड डॉट ग्लिटर ने भी मुझसे सवाल पूछा है कि वट वट्स वन थिंग विच यू ऑलवेज वॉन्ट टू चेंज यूर लाइफ आई थिंक दिस दिस इज दिंग विच आई वॉन्ट टू चेंज इन माई लाइफ आई वान्ट टू बी सो फेटफुल आई वॉन्ट टी मोर क्या कहना चाहिए उसको क्या लफ्ज़ कहेंगे उसको याद याद uh, बस मुझे वो मेरी मेमरी अच्छी हो यारोच रहा हूँ मैं लफ्ज नहीं मिल रहा मुझे वो ओके uh, okay. कभी आप सरगोदा आए अंडरस्कोर आई एम इमरा खान आई निमरा खान ओके okay, आई निमरा खान डॉट एक्स एक्स ने पूछा uh, मैं सरगोदा बिल्कुल आया हूँ जी सरगोदा के पास हमने एक सीरियल किया था थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ हाँ जी सरगोदा के पास हमने एक सीरियल किया था असगरी अकबरी सो इट्स बिन मैनीयर्स नाउ बट याड लाइक वेरी गुड शूटिंग बताया ओके वट इज़ द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ योर लाइफ विच इज़ इन कम्प्लीट येट मुझे uh, मैंने पहले भी जगह मैंशन किया था और मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं uh, एक एक ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ बुज़ुर्ग लोग हों और उनको मैं उनको एक घर उनको जिनको उनके पेरें बच्चे जो हैं उन पेरेंट्स वो पेरेंट्स उनके बच्चे डिसोन कर देते हैं या अपने पास नहीं रखते और बड़े दुखी माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे होते ही नहीं है और बुढ़ापे में वो अकेले रह जाते हैं उनके लिए मैं एक ऐसी सैक्चुरी एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ वो हों और उनका मैं ख्याल रख सकूँ और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले उनको से बात करने वाला कोई हो मुझे बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा लगता है बात करना मैं अक्सर जो है ना चला जाता हूँ ऐसी जगहों पे जहाँ बुज़ुर्ग बैठे हों मुझे मुझे अपनी एज के लोगों से ज़्यादा बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है सो so, वो आ, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ ये सवाल मुझसे पूछा था समियर दस को इरफान इरफाम समियन दस्को इरफाम इरफाम क्या नाम है यार गलत तो नहीं लिख दिया लगे आपका नाम योर डेली डाइट रूटीन माई डाइट रूटीन आई कीप चेंजिंग माई डाइट रूटीन पोस्ट सिक्स और सेवन मैं रात शाम के बाद नहीं खाता हूँ अगर बहुत लाइट मिल जाए उसमें काप्स ना हो मैक्रोस अपने मैक्रोस का ख्याल रखता हूँ कि किस में क्या चीज़ है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब आप एक सर्टन एज के बाद जब आप टीन एजर नहीं रहते हैं जब आप ट्वेंटीज़ से निकल जाते हैं वहीं से आपकी जो है ना वो आपको ख्याल करना पड़ता है कि आप क्या खा रहे हैं सो माई ईटिंग हैबिट्स हैव बीन चेंज कम्प्लीटली नाउ मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी से होती है ब्लैक कॉफ़ी से साथ ओट्स होते हैं या एग होता है आई यूजली डोंट ईट ऑयली फूड ग्रीसी फूड Um, और uh, चावल रोटी खाते हुए दस दफ़ा सोचता हूँ चीनी वाली चीज़ें नहीं खाता हूँ जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं इरेटेड ड्रिंक्स होती हैं जो uh, सोडाज होते हैं और कोक्स uh, नहीं आई डोंट वांट टू नेम एनी एनी ब्रांड या बट कोला ड्रिंक्स uh, और जो चीनी जिसमें ज़्यादा होती है वो मैं नहीं लेता हूँ ओके um, okay. ये सवाल पूछा था मुझसे मैरी सिद्दीक वन टू थ्री माई फेवरेट को माय फेवरेट को स्टार जब मैंने आपको नाम बताए uh, आयजा हो गई सादिया खान सनम जंग सना जावेद सजल माया यस वो यस आई आई वर्क विथ सवत गलानी लॉन्ग टाइम बैक शी इज़ आल्सो माय वेरी गुड फ्रेंड उसके और याले याले सरदी के साथ भी मुझे बड़ा मजा आता बहुत अर साउे लोगों के साथ काम किए हुए बट ये सवाल मुझे इमरान अब्बास डॉट स्ट्रफ ने पूछा था बट मेरे जितने भी अल्लाह का शुक्र है जिनके साथ मैंने काम किया है वो मेरे सारे बहुत ही अच्छी दोस्त रही हैं अपने अपने वक्तों में और अभी भी मैं उनसे रबते में रहता हूँ बट दीज़ आर माय वेरी फेवरेट को स्टार्स फेवरेट लेडीज फेवरेट फ्रेंड फ्रेंड्स वट यू कॉल दैन Um वाई डू यू नॉट अपेयर इन award शोज़ Award शोज़ में इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आई ड फाइन दैम इम्पोर्टेंट टू टू इन्वेस्ट माई टाइम मुझे वहाँ मैं इंजॉय नहीं करता हूँ तो मैं फ़ायदा नहीं है किसी भी ऐसी जगह पर जाने का जहाँ आपको कोई मिलना कुछ मिल ना रहा हो uh, मुझे नहीं लगता क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि मुझे लोग पहचानें या जाने या नहीं जानते तो ना जाने या पहचानते तो ना पहचाने लेकिन वहाँ जाके अपने आप को क्या जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा खुश नहीं हो रहे बात करके मिलके, और जो आपके दोस्त हैं इंडस्ट्री में अगर हैं तो वो आपको वैसे ही मिल जाते हैं और अवार्ड्स आपको खुद ही पता है कि यार यहाँ कितने सही होते हैं कितने नहीं होते आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन हु डजेंट इन्जॉय बींग इन दीज काइंड ऑफ गैदरिंग्स और जी टीज और अवार्ड्स और पार्टीज पता नहीं मुझे मज़ा नहीं आता हाँ अगर बहुत अच्छे कहीं पैसे मिल रहे हों वो अलग बात है क्योंकि दिस इज माई एंड बटर सो आई वुड सटनली गो टू एन अवार्ड वेयर आई एम पेड वेल बट इफ़ सम कॉलिंग मी फॉर फॉर माई प्रेजेंस ओनली और उसके बदले मुझे पैसा नहीं मिल रहा है और कह रही है आपको टिकट देंगे और स्टे दे देंगे तो भाई ये मुझे नहीं चाहिए चाहे आप मुझे नॉमिनेट करें या ना करें और उनकेयर आप मुझे वार्ड दें ना दें लेकिन मुझे मुफ्त में मैं कहीं जाना पसंद नहीं करता हूँ आप मेरे नाम पर अपने टिकट बेच दें और uh, हमारे कुछ एक्टर्स ऐसा कर लेते हैं जिनसे मैं कहता हूं कि भाई ना किया करो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप के ही कमाने का वक्त है फ्री uh, में मत पहुंचाया करो ये कहा जी इट्स कहाज ट्वेंटी फोर ने आई थिंक आप भी इतफाक करेंगे इस बात से मुझ um, तुझ में रब दिखता है यार मैं क्या करूं इमरान रहा और आंखों का ऑपरेशन <laughs> ये उसी सवाल का हिस्सा है uh, मेरा ख्याल है हमें तो हर चीज में रब दिखना चाहिए हर खूबसूरत चीज़ में हर उसकी तखलीफ में आपको रब दिखता है उस वो मुखालिक है इसमें कोई अजूबा नहीं है कोई अनयूजल बात नहीं है um, वही सब उसने पूछा है कि जी वॉट इज द रीज़न वाई यू नॉट डूइंग एनी सीरियल आफ्टर थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि जी आई आई एम एम बिजी विद न्यूली विटअप एंड अबाउट और अबाउट टू बिजनेस एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई मदर हेयर इन इस्लामाबाद एंड आई एम नॉट फाइंडिंग एनी थिंग वेरी एक्साइटिंग

विलिंग टू बी नोटिस ऑफ यू विलिंग टू बी आंसर्ड प्लीज़ एक तो यह सवाल आप इतने क्यूट क्यों हैं हैंडसम क्यों हैं मतलब ये सारी ये आधे से ज़्यादा सवाल यही होते हैं और आप शादी कब कर रहे हैं और अपना फ़ोन नंबर दे दें व्हाट्सएप नंबर दे दें और इस तरह की चीज़ें प्लीज़ आप नाम उससे पूछिएगा और एक बंदा एक या दो सवाल से ज़्यादा ना करें क्योंकि फिर देखना मुश्किल हो जाता है और फिर मैं सारे उस एक बंदे के जो होते हैं ना जो भी एक प्रोफाइल के होते हैं फिर मैं सबको आगे कर देता हूँ क्योंकि मुझे होता है कि यार ये अनयूजअली सवाल किए चला जा रहा है और दूसरे भी जो सवाल करना चाहते हैं उनका ये हक मार रहा है सो प्लीज़ अवॉइड आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चन फ्राम द सेम आई डी एंड या दिस ऑल फॉर टुडे एंड आई बी कनेक्टेड अगेन आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन आज अ सेशन वंस अगेन इन अ कपल ऑफ डेज और पब्लिक कल या परसों दोबारा हम करेंगे तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टेक केयर बाय